कांडा के भैसूड़ी में हुई एक युवक की मौत के मामले में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिस पर अंबेडकर चेतना मंच ने कड़ी आपत्ति जताई है। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट से करने की मांग को लेकर मंच के लोगों ने नगर में आक्रोश रैली निकाली। रैली के माध्यम से संदीप के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने पर रोष व्यक्त किया गया। साथ ही एसपी कार्यालय में भी धरना देने के उपरांत पुलिस उपाधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। नाराज लोगों ने जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए, आज पिछले 8 दिन हो गए हैं और कांडा के एक गांव पड़ता है पिथौरागढ़ बागेश्वर के बॉर्डर पे भैसूड़ी गांव। वहाँ 7 तारीख को 2 स्वर्ण समाज के व्यक्तियों द्वारा एक ऐसी समाज के व्यक्ति को अपने साथ ले जाके उनको रात में मार के फेंक दिया जाता है और उसके बाद उनकी लाश मिलती है, पोस्टमार्टम होता है, मुकदमा दर्ज होता है। और उसके बाद आज से 4 दिन पहले भी हम प्रशासन से मिले थे और 4 दिन पहले भी प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि आश्वासन भी नहीं दिया था उस दिन, आज तो आश्वासन दे रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन प्रशासन को आज हमने कह दिया। उसी दिन भी एसपी सर को हमने कहा था कि जल्दी हम आपको दिखाएंगे कि भीम आर्मी अपनी क्या ताकत रखती है और जब तक आज गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक भीम आर्मी के लड़के अब इस एसपी कार्यालय से उठने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं कि आप अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं कर सकते तो इस पीड़ित परिवार को गिरफ्तार करके जेल डाल दें, भीम आर्मी के पदाधिकारियों को जेल डाल दें। जिस तरीके से आप सरकार के संरक्षण में दोषियों को बचाने का काम कर रहे, सबसे प्रमुख मांग हमारी यही है कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, जल्द से जल्द, आज करो और अभी करो, और जब तक दोषी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और बागेश्वर को आज पता चल जाएगा, बागेश्वर का पहला आगमन है बागेश्वर में भीम आर्मी का, और बागेश्वर को पता चल जाएगा कि भीम आर्मी अपनी क्या ताकत रखती है। और अगर ये लोग हमें गिरफ्तार करेंगे तो 24 घंटे के अंदर बागेश्वर की सड़कों पर जगह नहीं होगी। इतने कार्यकर्ता आएंगे पूरे देश से कि बागेश्वर की सड़कों को नीला करने का काम करेंगे। और हमारा यही कहना है कि 24 घंटे के अंदर या उससे जल्दी, ये चाहें तो 10 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर गिरफ्तारी कर सकते हैं, लेकिन ये हम आश्वासन दे के यहाँ से निकलवाना चाहते हैं और कह रहे हैं 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये गिरफ्तारी करेंगे। जब तक ये लोग गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक भीम आर्मी के लोग यहाँ से उठेंगे नहीं, पीड़ित परिवार यहाँ से उठने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले 7 तारीख को एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, उस छोटे से 23 साल के जो बालक को घर से बुला करके उसको कमेड़ी देवी ले जा करके, जितना हमारे समझ में आया है उसको जबरन शराब पिला करके, उसको वापसी में जब रात को 1:30 बजे के करीब उसको घर छोड़कर लौटने की कोशिश की गई है, उससे पहले उसको घर पहुंचाने से पहले ही उसको जो है उन लोगों ने मार दिया है। और हमने जो प्रत्यक्ष रूप से जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमने देखी, पोस्टमार्टम हमने देखा, तो पोस्टमार्टम में जब उसकी हालत देखी तो उसके 2 हाथ टूटे हुए थे, कमर तोड़ी गई थी, साथ में उसके 2 पैर तोड़े गए थे। तो इस तरीके की जो घटना इस निरंतर इस बागेश्वर के भैसूड़ी में हुई है, इसे एक समाज में किस तरीके का प्रशासन और किस तरीके की जो भयावह स्थिति जो है पैदा करने की कोशिश की जा रही है, समाज में वैमनस्यता फैलाने का जो कार्य किया जा रहा है और समाज को एक किस तरीके से बांटने का जो कार्य किया जा रहा है कुछ समाज के ऐसे लोगों के प्रति, हमारी ये मांग है कि जिन लोगों ने, जैसे कि नाम हमें ज्ञात हुआ है, हीरा सिंह पुत्र दौलत सिंह, हीरा सिंह पुत्र मदन सिंह, तो जिनको कुछ लोग एक गलत नाम से भी उनको जानते हैं, क्योंकि जो जिस आदमी की जिस तरीके की कृति होती है उसी के नाम से लोग जानते हैं, उसका एक नाम रंपाट भी वहाँ के लोगों ने हमको बताने का कार्य किया है। तो ऐसे लोगों को सजाए मौत और फांसी के अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए, इससे कम सज़ा उनके लिए कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि उन्होंने किसी एक परिवार का, गरीब परिवार का, जो परिवार की दयनीय हालत है, एकमात्र कमाऊ व्यक्ति वो बच्चा था, तो उस व्यक्ति को मार करके उसकी हत्या करके क्या संदेश उनको देने का काम किया, इसके लिए हम प्रशासन से, प्रशासन के माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से, और चूंकि पुलिस प्रशासन से हमारा निरंतर विश्वास उठता जा रहा है,
जिस तरीके से आज 8 दिन होने के बावजूद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, तो हमारा मानना है कि जब तक उस व्यक्ति की गिरफ्तारी ना हो, उसकी उम्र कैद की सजा ना हो, तब तक हम जो है हम अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।